नेता विपक्ष फूलका ने जहां वीआईपी कल्चर को खत्म करने के फैसले को अपनी पार्टी की सोच बताया, तो उन्हें पंजाब के कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने नसीहत दी। राणा गुरजीत सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र कपूरथला में थे। पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक में लिए गए फैसलों के बाद सरकार के मंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं और उनकी मुश्किलें भी सुन रहे हैं। इसी के तहत कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह अपने हलके कपूरथला पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किया गया। इसके अलावा राणा गुरजीत ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात की और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम करने के आदेश भी दिए। साथ ही राणा गुरजीत ने ये भी साफ कर दिया कि उनकी सरकार में गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे कांग्रेस का क्या मतलब, पुलिस काम करेगी, जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो काली हो चाहे वो कांग्रेसी हो। अब ड्रग बेचेगा कोई कांग्रेस तो मैं बचाऊंगा, मेरा फर्ज है चाहे कोई कांग्रेसी हो। मेरे को दो चीजों के लिए संपर्क नहीं करना कभी भी, एक ड्रग चाहे दो ग्राम क्यों ना उसकी जेब में मिले, एक चोरी। वही राणा गुरजीत ने SYL पर बोलते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे को पहल के आधार पर ले रही है और जल्द ही इसका कोई हल ढूंढा जाएगा। SYL बड़ा गंभीर मसला, साड़ी पंजाब की लाइफ लाइन है, इन्होंने केस नू सही ढंग ना नहीं लड़िया और आज बड़ा वड्डा चैलेंज है साड़े अगे कि SYL का मसला किवें हल किया जाए। साडे मुख्यमंत्री जी इतने बहुत गंभीरता ना सोच रहे और मैनू बुला के उन्होंने कहा कि इस केस स्टडी करके आशीर्वाद चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी ने दिता, असीं करांगे, आ भी मेरा वह भी मेरा, इन्ना की होएगा। लोगों ने दुत्कारिया, थोड़े दिन पुराना चाहिदा। प्रदेश की जनता को नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और जिस तरह से कैप्टन सरकार ने अपनी इनिंग की शुरुआत की है उसके साथ कहीं ना कहीं प्रदेश में अच्छे दिन आने की संभावनाएं जरूर बंधी हुई नजर आ रही हैं। संदीप ओब्रॉय, Zee Media, कपूरथला।